हर दिन नई खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले आपके पास। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। मारुति अर्टिगा 2018 को लेकर एक नई खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस कार को 21 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। वहीं कंपनी ने इसकी तस्वीर को लेकर जारी किया है। इस सेकेंड जनरेशन एमपीवी का लुक पहले से अधिक प्रीमियम और स्टाइलिश लग रहा है और नई अर्टिगा पहले से अधिक क्लासिक और बड़ी दिख रही है। माना जा रहा है कि इस नई कार की कीमत 7 लाख से शुरू होकर 11 लाख के बीच रह सकती है। नई अर्टिगा में इंजन पहले से ही अधिक दमदार है। इसका इंजन 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है। मारुति ने CIAZ फेसलिफ्ट मॉडल में इसे सबसे पहले लॉन्च किया था। इसका अपग्रेड दमदार इंजन 105 PS पावर के साथ 138 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करेगा। नई अर्टिगा के गियर बॉक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया है। इंटीरियर की बात करें तो नई अर्टिगा में डैशबोर्ड पर RD जैसी फॉक्स वुड फिनिशिंग और कनेक्ट वेट्स इसको रॉयल बना रहे हैं। फीचर्स की बात करें तो मारुति ने इस कार के साथ ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट्स कंट्रोल का नया फीचर्स ऑफर किया है। इस कार में स्मार्ट प्ले, टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम और एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले जैसे नए फीचर शामिल किए गए हैं। वहीं कार को फ्रंट में ड्यूल एयर बैग्स के साथ स्मार्ट ABS और EBD जैसे तकनीकों से लैस है। नई अर्टिगा के बैक में वोल्वो को गाड़ियों जैसे टेल लैंप दिए गए हैं जो इसको मॉडर्न लुक दे रहे हैं। वहीं इसके फ्रंट में बड़ी क्रोम ग्रिल और स्किल हैंड लैंप और नए अलॉय व्हील्स पहले इस कार को बेहतरीन लुक दे रहे हैं। फ्रंट में बोनेट और शार्प एजेस इसको स्लिक और स्टाइलिश बना रहे हैं।